तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें हम टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि वो इफ़ेक्टिव हो और समझा जा सके उनको। हम तो इसमें हम फिजिक्स के आज पहले चैप्टर को उठा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये पार्ट है फिजिक्स की पहली यूनिट का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के रेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस जब रेस पर होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम फील्ड पोटेंशियल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की या मैटर की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट को डेवलप करते हैं। अब बात करें चार्जेस के टाइप की, तो चार्जेस दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं अगर हम सेम चार्ज ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर हम अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि अगर हम लेते हैं दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर की ओर फेंकेंगे। जबकि यहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ चलेंगे। जस्ट सिमिलर लाइक अ मैग्नेट, अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं और उसको देखें तो मैग्नेट पे क्या होगा कि अगर एक नॉर्थ नॉर्थ पोल को ले, मतलब दोनों मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लिया तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। जबकि हम अगर नॉर्थ साउथ लेते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट इसकी जो होगी वो होगी कूलम। कुछ छोटी यूनिट जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली हैं वो आपके सामने नीचे लिखी हुई हैं और सीजीएस में लिखी हुई है। जबकि इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो वी कैन फाइंड एज वी हैव सॉल्व इन क्लास 11th। सो बात करते हैं, इसमें एक छोटा टर्म और बहुत जगह यूज़ होगा जिसका नाम होगा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका साइज निगेजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, और इस पर हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी हमेशा इस पर चार्ज जो होगा वो 1 कूलम होगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं चार्जेस की, तो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेबल, यानी इसको हम एलजेब्रिक फॉर्म में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा अनचार्ज बॉडी में। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास, थ्रू मास कैन इट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी अगर हम बात करें तो चार्ज बिना मास के एग्जिट नहीं कर सकता है, जबकि मास बिना चार्ज के एग्जिट कर सकता है, यानी मतलब कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज को ना हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इनवेरियंसी ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो चार्ज चार्ज की वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर होता है तो केवल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, यानी चारों ओर उसके एक स्पेस होगा जिसपे हम किसी दूसरे यूनिट चार्ज को लेकर के आएंगे, तो उस स्पेस में वो चार्ज एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जबकि अगर एक चार्ज को मूव कराते हैं तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम चैप्टर
फोर्थ में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा था, क्यू इक्वल्स टू एन, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। बट इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है जिसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो ये एन नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे यानी टोटल चार्ज जो होगा बॉडी पर, वो एन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर जैसे चार्ज ऑन बॉडी कैन बी 0.5 प्लस माइनस 12.2 एंड सो ऑन। एक लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्वार्क के बारे में। तो क्वार्क कहता है कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी सब पार्टिकल्स होंगे, जिनके चार्ज जो होंगे वो हो सकते हैं ई बाई फोर, ई बाई थ्री, इस तरह से। तो इसे क्वार्क बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसका कंपेरिजन करेंगे चार्ज का मास से। चार्ज की बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मास की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जबकि मास जो होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है, जबकि जो मास है वो भी आपका कैसा है, क्वांटाइज्ड है। क्योंकि अगर किसी बॉडी का हमें टोटल मास निकालना हो तो हम हर एक पार्टिकल के मास को क्या करते हैं, एड अप करेंगे, दैट इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो मास जो होता है, मास इज नॉट कंजर्व एट इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अकॉर्डिंग एज चार्ज आर लाइक और अनलाइक। यानी चार्ज जो होगा, चार्ज के बीच में फोर्स अट्रैक्शन वाला है कि रिपल्शन, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज लाइक है कि अनलाइक है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है, दिस इज लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस। जबकि मासेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जो हम लोगों ने 9th और 11th दोनों में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो मासेस यूनिवर्स में लाई करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको एक्सप्लेन न्यूटन ने किया था, जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो इसमें पहला मेथड, यानी कई सारे मेथड है, इसमें तीन फॉलोइंग मेथड हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होंगे, या पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे जब एक ग्लास रॉड को हम रब करें सिल्क पर, तो रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो सिल्क होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पे और चले गए, तो मतलब जो रॉड होगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और जो सिल्क होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से हमने दो रॉड ली, एक रबड़ की रॉड और एक ग्लास की रॉड। ग्लास की रॉड जो हमने ली है उस पर बनना है पॉजिटिव पॉजिटिव ये, और रबड़ की है उस पर नेगेटिव। जब हम दो रबड़ रबड़ लेके आते हैं तो एक दूसरे को रिपल करती है, और जब दो ग्लास ग्लास लेके आते हैं तो एक दूसरे को रिपल करती है। जबकि एक ग्लास और एक रिपल को ले, एक ग्लास और रबड़ बॉल ट्यूब को लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि जब दो सेम चार्ज की बॉडी एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि जब दो अपोजिट चार्ज की बॉडी को एक साथ लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये पहला वीडियो था मेरा।